11 फरवरी को NH-75 पर मांडर के मिशन स्थित शंकर एंड सन्स ज्वेलर्स में 65 लाख की ज्वेलरी दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का पुलिस ने भंडाफोड़ दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने चोरी किए गए सभी जेवर और कैश भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि आखिरकार किस तरह से शातिर चोरों ने दिन दहाड़े लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। और मानवीय आसूचना एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर 3 अपराध कर्मियों की जो इसमें संलिप्त थे गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद आमिर अंसारी, मोहम्मद आकिब खान, मोहम्मद साबिर और दाऊद खान, जिसमें से 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अरगोड़ा थाना क्षेत्र से हुई है और 1 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी कांके थाना क्षेत्र से की गई। दरअसल अपराधी इस लूट के लिए पिछले 6 महीने से दुकान की रेकी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने लूट की घटना को करीब दोपहर 2:30 बजे अंजाम दिया। 11 फरवरी को हथियार का भय दिखाते हुए पहले तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद अपराधी दुकान के मालिक 2 अन्य का मोबाइल लेकर आराम से बाहर निकल गए थे और बाहर खड़ी बाइक में सवार होकर फरार हो गए थे। प्रेस वार्ता कर SSP किशोर कौशल ने बताया कि ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अरगोड़ा के मोहम्मद आमिर उर्फ रॉक, मोहम्मद आकिब खान उर्फ टोपी पकिया एवं कांके चूड़ी टोला के मोहम्मद साबिर उर्फ दाऊद खान ने अंजाम दिया था। इनकी निशानदेही पर ज्वेलरी की दुकान से लूटे गए 9 किलो चांदी, 255 ग्राम सोना, 7,000 नगद के साथ पुलिस ने अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, 1 देसी सिक्सर व 5 कारतूस भी बरामद किया है। इनके पास से जो कुल बरामदगी हुई है वो सोने की जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो लगभग 250 ग्राम से अधिक मात्रा में है, चांदी लगभग 9 किलो से अधिक मात्रा में है, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, मोबाइल फोन्स भी इनके पास से 4 बरामद हुआ है और जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ था इसमें एक हथियार भी बरामद हुआ है, साथ ही कुछ जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किया गया। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो इनमें से 3 का ही पहले से आपराधिक इतिहास अभी तक जो हम लोग को प्राप्त हो पाया है, उसमें जो आकिब है वो पहले भी अरगोड़ा थाना क्षेत्र से 2019 में एक हत्याकांड में, जो दानिश हत्याकांड के नाम से उस समय प्राप्त हुआ था, उस हत्याकांड में पहले भी ये न्यायिक हिरासत में जा चुका है। आमिर जो है वो भी सेम हत्याकांड में 2019 में जेल गया था और 2017 में एक निजी वित्तीय कंपनी में डकैती करने के अपराध में भी उसे जेल भेजा गया था। मोहम्मद साबिर वो भी अनगढ़ा थाना से एक लूट के मामले में 2018 में जेल जा चुका है और 2020 में भी एक आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। इन तीनों ने जो रातू थाना क्षेत्र में भी एक घटना घटित हुई थी, तकरीबन 6 महीने पहले ज्वेलरी शॉप ओनर की हत्या कर दी गई थी लूटपाट के दौरान, उस मामले में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके संदर्भ में अभी हम लोग रिमांड में लेकर के और विस्तृत पूछताछ करेंगे। लूट की घटना के बाद SIT का गठन किया गया था। मामले के खुलासे में पुलिस की लगातार मेहनत और तकनीकी सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि मांडर में यह लूट की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी NH-75 पर दिन दहाड़े अपराधियों ने 21 मई 2022 को मांडर कॉलेज के प्रोफेसर चोरिया निवासी राम कुंवर साहू की बाइक की डिक्की तोड़कर 5 लाख रुपए व 28 जून 2022 को चोरिया के ही जेवर व्यवसायी वासुदेव प्रसाद साहू की बाइक की डिक्की तोड़कर वहां रखे करीबन 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने उड़ा लिए थे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।